अगर डीलर के ऊपर कोई आंच आई तो हम क्या करेंगे? हमने तो एक ही हमारा मकसद है कि हम इसको बंद कर देंगे राशन को। अगर डीलर इकट्ठे होने का ये मकसद है कि इस महीने फिर इन्होंने राशन काट दिया, और आपने देखा कि जब इन्होंने जून में राशन काटा था तो आपसे हमारी बात हुई थी, बड़ी तफसील के साथ बात हुई थी, तो तब हम लोगों के पास गए तो लोगों ने माना, चलो ठीक है राशन काटा, तो दूसरे महीने फिर आपका जो जुलाई महीना था, जुलाई में राशन पूरा दिया गया। अब जो इन्होंने राशन काटा तो इसीलिए हमारे जो प्रेजिडेंट, जम्मू कश्मीर के प्रेजिडेंट हैं, वो आज अरनास में आए। मैं पहले सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया करूँगा और इनकी टीम का शुक्रिया करूँगा जो जहाँ पे आके और हमारे खासकर दूर दराज एरिया के जो डीलर हैं उनकी इन्होंने, और लोगों की खासकर जो हमारे लोग हैं, हालांकि मैं ये कहूँगा कि डीलरों का इनमें कुछ नहीं है, ये जो मसला जो मसला है ये लोगों का मसला है, जो राशन लोगों का राशन है सारा। अगर 10 क्विंटल राशन है तो हमारे पास 60 फैमिली है, तो हमने 10 क्विंटल ही डिवाइड करना है, जबकि बनता 20 क्विंटल होगा या 15 क्विंटल होगा। अगर हम गवर्नमेंट स्केल मशीन दिखाती है 5 किलो पर फैमिली पर सोल हमने राशन देना है, तो हम अगर 2 किलो देंगे तो लोग फोन करते हैं कंसर्न ऑफिसर को, जनाब हमें इतना राशन कम मिल रहा है, तो वो कहते हैं वहाँ से नहीं नहीं हमने तो 5 किलो दिया है। तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये मकसद था कि हमारे साथ ये जाति लोगों के साथ हो रही, हमने तो देना है जो सरकार देगी हमने वही बांटना है, हमने कोई घर से नहीं देना है। मगर बार बार ये हमारे साथ ये हो रहा है। हम ये चाहते हैं या तो इस राशन को बंद किया जाए, या लोगों को जो स्केल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की हुई उसके मुताबिक लोगों को राशन मिलना चाहिए। डीलर जो है एक चक्की में पीस रहा है। तो जैसे मैं दूसरी बात करूंगा कि नफसा एक हिंदुस्तान में एक कानून है, ना कि स्कीम है। बड़ी हैरानगी की बात है कि ये कानून की वायलेशन हो रही है और लोग उसको सह रहे हैं। गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि भाई मेहरबानी करके डीलर को बार बार बदनाम ना किया जाए, और उस चक्की में ऐसा पीसा जा रहा है कि डीलर की कोई सुनाई ही नहीं है। जब डिपार्टमेंट राशन कम देता है, लोग कम लेने को तैयार नहीं है, हमारी फिंगरप्रिंट मशीन जो है वो पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें पूरा प्रिंट निकाल दिया है, जब उसको हम कम देते हैं तो वो हमारे हमसे क्वेश्चन करता है कि भाई जब हमारी मशीन प्रिंट इतना निकाल रही है आप हमें कम क्यों दे रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट ही हमें कम दे रहा है। लेकिन वो अपना वो जो है कम राशन देने वाला वो सिस्टम अपने सर पे लेने के लिए तैयार ही नहीं, वो सारा डीलर के सर पे ठोसा जा रहा है। अभी हाल ही में जो हमारी सरकार ने जो एक्स्ट्रा राशन जो है फैमिली को देने के लिए जो PMS देने के लिए कहा है, हम उसके लिए भी गवर्नर साहब का और जो हमारी यूटी इंतजामिया है जहाँ हमारा सेंटर सरकार है उसका हम वेलकम करते हैं, और जो राशन हमें मिलेगा हम दाना दाना लोगों को जो उनका शेयर बनता है उनका हम 25 रुपये KG के हिसाब से जो बनता है हम दाना दाना उनको डिवाइड करेंगे, राशन वापस मिलता है। इस स्कैम में इसको अपोज करते हैं 100% इस चीज़ को। अगर आपने कोई POS मशीनें बनाई हैं, ऑनलाइन काम शुरू किया, तो ऑनलाइन में तो कटिंग तो होनी नहीं चाहिए ना। इसको तो मैं 100% अपोज करता हूँ। आज मैं अरनास में आया हूँ, ये डीलर भी इस चीज़ को अपोज करने के लिए, हम इनके साथ आए इनके इस चीज़ को अपोज करने के लिए। पता है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या निकलता है? डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि हम पब्लिक को ऑनलाइन, हमने कहा ठीक है ऑथेंटिक करके राशन दे। इसमें हम चाहते हैं अगर डिपार्टमेंट हमें कम राशन देता है ऑथेंटिक करके राशन दिया जाए और इक्वल सबको बांट के दिया जाए राशन, ना कि 50 जैसा काटा तो उसको 30 तक दो, ऐसा एडजस्टमेंट करके ताकि डीलर भी अपना काम अच्छे तरीके से चलाए। इसको सब पता है, ADs को हर नॉलेज है कि कटौती किस वजह से हुई है, उसका पता हम डायरेक्टर मैडम से मिले 3-4। यही तो एक तभी तो हम अरनास में आए हैं। यहाँ के डीलरों की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें राशन कम दिया जा रहा है और पब्लिकली इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला कि पब्लिक को राशन कम, इन्होंने अखबार में देना चाहिए, मीडिया में देना चाहिए, ऑनलाइन इनको मीटिंग्स करनी चाहिए ताकि हम ये राशन कम दे रहे हैं, हमारा कटिंग कैसे हुई, किस वजह से हुई, वो फिर आए तो आटी पूछेगी ना। डीलर की कोई गलती नहीं है। अगर डीलर के ऊपर कोई आंच आई तो हम क्या करेंगे? हमने तो एक ही हमारा मकसद है कि हम इसको बंद कर देंगे राशन को। अगर डीलर के ऊपर कोई आंच आई पूरी स्टेट का बंद हो जाएगा, क्योंकि डीलर इसमें कुछ डीलर की कोई गलती नहीं, डीलर ईमानदारी से काम कर रहा है। और जहां तक कि डीलर का जो पैसा है 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ सेंटर शेयर, हमने बार बार मैं कि अपने डॉक्टर साहब और अपने सेक्रेटरी साहब से यही बात की है कि अगर सेंटर शेयर जो 2 साल का पेंडिंग है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा, हम आपके पास रिवॉल्विंग फंड पड़ा हुआ है, आप अपने से हर एक सिटिंग गवर्नमेंट अपने से दे रही है, तो हमारा क्यों रोका गया है? क्योंकि डीलर जो है उनको बांध के रखा हुआ बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है? मैं कि अगर बाहर कोई काम करके वो उसका पैसा जहाँ पे लगा रहा है, कई डीलरों ने ऐसा किया है, लोन लेके काम कर रहा है, लोन का इंटरेस्ट अलग से पड़ रहा है, तो घर से भी इन्होंने मैं कि घर की भी इनकी माली हालत हो गई है, अब राशन उठाने के लिए भी इनको दिक्कत आ रही है, फिर भी डीलर जाना बछाना चल रहा है इनके साथ। उसके अलावा भी ये मैं कि जो कट लग रहा है
जैसे जून में कट लगा तो हमने पब्लिक के साथ बैठ के या सरपंच पंच के साथ बैठ के बातचीत की, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो दूसरी बार जो कट लग गया तो इसके लिए हमने हाई अथॉरिटी से भी बात की, उनके साथ बैठ के बात की, जब वहाँ पे नहीं हल निकला उन्होंने एक ही बात कही है कि अब जो ये बन गया है पूरा जितना भी इनका जो डेंट आता है तो इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं कि सभी अथॉरिटी से बात करूँ, मैं ये कहता हूँ और पंच सरपंच और आम पब्लिक से यही बात कहता हूँ कि जितना आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट आएगा हिस्से में और उसी तरह डीलर आपको देता जाएगा, और इसके नेक्स्ट मंथ में देखते हैं फिर क्या होता है।